हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फुल कवरेज वाटरप्रूफ ब्राइडल मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये कलर टैटू लिया है मेबिलिन का, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन है तो इसको मत यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ड्राई कर सकता है आइज़। तो इसको मैं पूरी आइज़ पर लगा रही हूँ। और अब ये मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने रोज़ गोल्ड पैलेट लिया है, और ये शेड मैं सबसे पहले लगाऊंगी, जिससे कि बाकी शेड जो इसके ऊपर मैं लगाऊँ बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाएंगे। तो इसको ही थोड़ा थोड़ा सा ले करके और आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है, और इसको भी मैं क्रीज में ही लगाकर और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, हर बार थोड़ा थोड़ा लेकर। और अब ये डार्क शेड मैंने लिया है, और इसको भी मैं क्रीज में ही लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा मैं डार्कन अप करूँगी। और ये लगाकर और साथ साथ में हमको ब्लेंड भी करते जाना है। और ये ब्लैक कलर मैंने अब लिया है, और ये स्लीक का ओरिजिनल पैलेट इसका नाम है। और ये पेंसिल ब्रश मैंने यूज़ करा है, और ज़्यादातर जो ब्रशेज मैं यूज़ करती हूँ वो डो कलर के हैं, वो आप लिंक में चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा आउटर थर्ड पर ही मैं इसे फोकस करूँगी, और थोड़ा सा डायगोनली मैंने लगाया है इसको। और अब ये ग्रीन शेड मैं लूँगी, और इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो मैंने कुछ क्रीज वगैरह कट नहीं करा है, इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ जिससे कि ऐसा लगे कि कट क्रीज बनाई है। तो इस तरह से लगाकर और मैं इसको पूरा फिल कर ले रही हूँ। और अब ये ग्लिटर ग्लू लिया है मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का, और आगे मैं ये प्रेस्ड ग्लिटर, ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का न्यू लॉन्च है, तो इसको मैंने लगाया है। और पहले मैं इसका ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैं प्रेस्ड ग्लिटर लगाऊंगी, तो जिससे कि वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और अच्छे से वो स्टिक करेगा। और ये मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, इससे लगाने से काफ़ी इजीली ये लग जाता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इसको लीजिए और लगा लीजिए जहाँ तक भी आपका मन है। और दोबारा से ब्लैक शेड लेकर मैंने आउटर थर्ड थोड़ा सा डेंस किया है। और ये लाइनर मैंने यूज़ करा है, और साथ में मैंने जेल लाइनर भी यूज़ करा है। तो पहले मैंने लिक्विड लाइनर लगाया है, और इसके ऊपर मैं जेल लाइनर मैं लगा दूँगी। और ये निक्स का डॉल आई मस्कारा है, और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। और ये डुओ का मैंने एडहेसिव लिया है, और साथ में लैशेस लिए हैं मैंने। और अब मैंने लैशेस लगाई हैं, और यहाँ पर मैंने हाइलाइटर लगाया है, ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है ब्रिक वाला। और अब ये टेप से जो भी कुछ फॉल आउट हुआ है वो मैं छुटा रही हूँ, जो भी ग्लिटर वगैरह है। और लिप बाम लगा रही हूँ मैं, क्योंकि लिप्स आपके एक्सफोलिएट होने बहुत ज़रूरी हैं। और अब ये मैंने पोर रिफाइनिंग प्राइमर लिया है, ये लोरियल का है, और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ही अच्छा इससे बेस आपका टिका रहता है। और अब मैंने ये एले गर्ल का लिया है प्रो कंसील कलर करेक्शन के लिए। तो जहाँ कहीं भी हल्के फुल्के से ब्राउन ऐसा कुछ है वहाँ पर मैं इसके लगा रही हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल है तो भी आप इसको लगाइए, तो ऑरेंज कलर से डार्क सर्कल बहुत अच्छे से हाइड हो जाता है। और अब ये मैंने थोड़ा सा इल्यूमिनेटर लिया है, ऑल दो कोई एज सच बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो दे देता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, ये वाटरप्रूफ भी है, तो इसको एज अ बेस मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। और अब मैंने ये मिलानी का कंसील एंड परफेक्ट फाउंडेशन लिया है, और ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, और हल्का सा ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक शेड लाइट लिया है, जिससे कि बाद में ये बिल्कुल जब सेट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और मेरे स्किन टोन पर बिल्कुल मैच होगा। और अब मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये फाउंडेशन है, मैंने इसका डार्क शेड लिया है, और इससे मैं चीक्स कॉन्टोर कर रही हूँ। और अब मैं नोज़ कर रही हूँ,
और बस ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए। और नोज़ को मैं ब्रश की हेल्प से इसको कर रही हूँ, ये पेंसिल ब्रश है। और ये मैंने कंसीलर लिए हैं, मैंने राइट वाला कंसीलर लिया है नेक्स का, और इसको मैं अंडर आई लगा रही हूँ। और हल्का सा इसको मैंने चिन पर भी लगाया है हाईलाइट के लिए, हल्का सा आई थिंक फोरहेड पे भी लगाया था। और इसको मैं ब्रश से ही इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और अब ये लूज़ पाउडर से मैं जो भी कुछ हमारा, क्योंकि क्रीम वाला जो भी वर्क है वो हो चुका है, कॉन्टूरिंग वगैरह, क्रीम कॉन्टूरिंग और ये फाउंडेशन और सारा कुछ, तो अब इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। और पूरे फेस पर मैं ये लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। और अब मैंने ब्लश लिया है, और ये ब्राइट सा पिंक है तो इस लुक के साथ में काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये लगाया है। और आईज़ पर दोबारा से मैंने जो डार्क शेड था मैंने वो लगाया है पूरे लैश लाइन पर। और हल्का सा अब मैंने वही वाला सेम ब्लैक वाला शेड लिया है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट सा फ्लैट ब्रश है, और इसके हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ तो काफ़ी क्लीन ये लग जाता है, और बिल्कुल भी स्मज ऐसा कुछ होता नहीं। और ये मैंने कीको का काजल लिया है, और ये बहुत ही अच्छा काजल है। और दोबारा से मस्कारा मैंने नेक्स का लिया है, सेम मस्कारा। और ये मेकअप रेवोल्यूशन का इसका नाम मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, इसको मैं इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। और आईज़ कंप्लीट है। और हाइलाइटर ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रिक वाला लिया है, तो ये जो भी कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ इनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने हल्का सा चीक्स पर, हल्का सा नोज़ पर और क्यूपिड बो पर लगाया था। और ये कीको का मैंने लिप लाइनर लगाया है पहले लाइट कलर का, और इसके बाद ये दोनों लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी, जैसे कि जिस तरह का शेड मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहती थी, तो मैं थोड़ा एक मिड टोन चाहती थी, तो मैं लगा रही हूँ। पहले मैंने डार्क लगा है, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा लाइट वाला शेड लगा रही हूँ, और एंड में मैंने ये सेटिंग स्प्रे डाला है। और ये सेटिंग स्प्रे बहुत ही अच्छा है, इससे मेकअप बहुत लंबी देर तक टिका रहता है। तो बस ये लुक ओवरऑल फिनिश है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।